राम राम जी। आज हम बना रहे हैं शिमला मिर्च की सब्जी। एक पैन में हमने तेल ले लिया, जीरा डाल लिया और उसमें एक बड़ा प्याज डाल लिया। अब प्याज को सुनहरा होने तक भूनेंगे, उसमें हींग डालेंगे, थोड़ा भूनेंगे, फिर इसमें एक बड़ा टमाटर डाल देंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे तेल छोड़ने तक। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और स्वाद अनुसार ही मिर्च, क्योंकि सब अपने तरीके से खाते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। अब इसमें हम थोड़ा आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच किचन किंग मसाला डालेंगे। किचन किंग मसाले से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अभी हमारे टमाटर और प्याज ने तेल छोड़ दिया, तो अब हम इसमें आलू डाल देंगे। ये हम इसमें आलू डाल देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। और ये शिमला मिर्च हमने खाली कर ली थी, ड्राई करके अच्छे से खाली कर लिया, बीज निकाल लिया इसका पूरा। अब ये जो बीज थे उसमें आलू में डाल देंगे, ये भी थोड़ा सिक जाएंगे, थोड़ा अच्छे से हो जाएंगे। तो अपना फिर इसमें हम 1 चम्मच कसूरी की मेथी डाल देंगे, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, डालकर देखना। और दोस्तों आप बना कर देखना, मुझे बताना आपको कैसा लगा। ये 2 चम्मच घर की ताजी मलाई डाल देंगे, इससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और ये 1/2 चम्मच, ये 1/2 चम्मच हम टमाटर सॉस डाल देंगे। अब ये मिर्च हमने भर ली, और अब इसको एक पैन में थोड़ा तेल डालकर रख लेंगे। दोस्तों सरसों का तेल यूज़ करना चाहिए, वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और ये हमारी सब शिमला मिर्च इस पर रखी गई। अब जो हमारी पिट्ठी बची थी वो भी हम इसी में डाल देंगे, जो थोड़ी बहुत बच जाती है बर्तन में, तो वो भी इसमें डाल करके इसको हम अब 7-8 मिनट सिम गैस पर पकाएंगे। अब ये हमारी शिमला मिर्च तैयार हो गई। अब ये देखो दोस्तों, खाइए।